Hello, this one is memory based question. According to discussion, there are 27 coins. One coin is dummy. 26 coin weight is same and one is dummy coin weight is less. Then by a 2-pen balance, how many minimum times weight is required to find the weight of dummy coin? हमारे पास यहाँ से 27 coins है, 26 coin real है, 1 coin dummy coin है जिसका weight बाकी coin से कम है, तो हमें यहाँ से minimum weight find out करने है जिससे हम उस coin को find out कर सके। अब यहाँ से according to this question हमें कहा गया 27 total coins है, अब यहाँ से उन्हें minimum weight में find out करना है उस dummy coin को, तो यहाँ से 22 pen है हमारे पास जिसे हम find out कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास तीन उसके parts कर सकते हैं उसको, 9, 9 और 9 कॉइन्स में डिवाइड करके टोटल 27 कॉइन्स का हमने डिवाइडेशन कर दिया। अब जिसमें भी वो डमी कॉइन होगा उसका वेट कम आएगा बाकी कॉइन से, लेट अस टेक इसमें आया है इसका बाकी कॉइन से कम आएगा, तो यहाँ से इसमें अगर हमारे पास वो डमी कॉइन है तो यहाँ से इसका वेट कम आएगा, इसका वेट अगर कम आएगा इसको हम दोबारा पार्शली डिवाइड कर सकते हैं, इसे हम 3, 3 के पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3, 3 और 3, यहाँ से हम इसे 3, 3 के पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब जिसमें भी वो डमी कॉइन होगा, जिस भी कॉलम में हमारे पास उसका वेट कम आएगा, लेट अस टेक इसमें है, तो इसमें अगर वो डमी कॉइन है तो इसका वेट बाकी दोनों से कम होगा। अब इसका वेट बाकी दोनों से कम है, इसमें टोटल 3 कॉइन है, अब इन तीनों कॉइन को दोबारा डिवाइड कर दे, जो भी जिसमें भी वो डमी कॉइन है उसका वेट कम आएगा, तो लेट अस टेक इसमें है, तो यहाँ से हमारे पास डमी कॉइन आ गया और हमने फाइंड आउट कर लिया डमी कॉइन कौन से में है। तो हमारे पास टोटल 3 वे हुए, 1, 2, 3, सबसे पहले हमने 27 को डिवाइड किया 9, 9, 9 में, फिर 9 को डिवाइड किया 3, 3, 3 में, फिर 1, 1, 1 में 3 को डिवाइड किया, तो यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज 3 वे में हमें करना पड़ा। सो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन मिनिमम नंबर ऑफ टाइम वेटिंग इन इज रिक्वायर्ड, सो यहाँ से मिनिमम नंबर ऑफ टाइम हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।